मेरा नाम है वानिया और आपका मेरे चैनल वानिया आज चैनल में वेलकम कहती हूँ। तो अब मैं आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आलू गोभी की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, यमी और टेस्टी है। और अगर आप लोगों को किसी भी रेसिपी की डिमांड है तो डू कमेंट डाउन और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो आप लोगों ने पक्का ही कर देना है। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 किलो गोभी, आधा किलो आलू, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 कटोरी तेल, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबलस्पून टर्मरिक यानी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो अब हम एक डेगची में ऑयल ऐड कर देंगे और इसको गर्म होने के बाद इसके अंदर हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे यानी कि प्याज डाल देंगे। उसके बाद प्याज को इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक कि आपको क्या कर लेना है मैं अभी बता देती हूँ। आपने करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट डाउन कि आपको कौन सी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तो खैर नहीं मिल सकती क्योंकि चैलेंजेस का वीक स्टार्ट होने वाला है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और आलू ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और ज़ीरे को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से इन चीज़ों के साथ भून लेंगे। इस पॉइंट पे अपनी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर हमारे जो मसाले थे हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर जो हमारे मसाले थे वो ऐड कर देंगे। और इसको भी इसके साथ अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो गोभी ऐड कर देनी है, जिसे आप कॉलीफ्लावर कहते हो। और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इसके साथ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिला लूँगी। तो मैंने मिला ली है, अब मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी और 15 से 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी गोभी अच्छे से गल जाएगी। लोग देख सकते हैं कि अब ये अच्छे से गल गई है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि एक आपको टिप देती हूँ कि जब हमारी सब्ज़ी जो है वो तेल छोड़ देगी मीन्स कि ये अच्छे से पक चुकी है, रेडी टू ईट है। लोग देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा गरम मसाला था वो ऐड कर देंगे और हमारा जो धनिया था वो ऐड कर देंगे और इसकी फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। स्लो भी नहीं, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल ऑफ फ्लेम चाहिए ताकि इसकी खुशबू अच्छे से इसके अंदर बच जाए। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया और रेडी है हमारी मज़ेदार आलू गोभी का सालन। तो आप इंजॉय करें इसको अपनी फैमिली के साथ एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।